नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है शुक्र का कुंभ राशि में गोचर प्रभाव। शुक्र 9 जनवरी 2020 को कुंभ राशि में जाएंगे और 3 फरवरी 2020 तक वहां रहेंगे। इसका सभी राशियों और लग्नों पर क्या प्रभाव होगा, इसी के संबंध में यह वीडियो है। मेष लग्न वालों के लिए 11वें भाव में शुक्र का प्लेसमेंट रहेगा। अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई से बहुत पैसा कमाते हैं। पत्नी से सहयोग मिलता है, ससुराल वालों से सहयोग मिलता है और उनके सहयोग से भी धन कमाने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। अपने परिवार, अपने कुटुंबजनों का भी सहयोग प्राप्त होता है, उनसे भी किसी तरह की कोई समस्या देखने में नहीं आती। तो कुटुंब से भी सहयोग मिला, भाषा की भी आपकी बात बनी, चतुराई आपकी इम्प्रूव हुई। थोड़ी बहुत समस्या जो देखने में आ रही है वो केवल संतान पक्ष को देखने में आ सकती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर, संतान के घर के ऊपर, प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर सही मौके पे सही फैसला लेना, जिसे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते हैं, उसमें छोटी मोटी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर अपनी चतुराई पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी एफर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, फैमिली मेम्बर्स के साथ तालमेल और सहयोग से कोई काम करें, तो मेष के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। आमतौर पर ये स्थिति आपको धनी, सुखी, बुद्धिमान बनाएगी, पर थोड़ा स्वार्थी भी बना सकती है। वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में रहने का लाभ ये है कि सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपका रुतबा, आपका प्रभाव बहुत बढ़ेगा। लेकिन छठे घर के स्वामी होने के कारण पिता से थोड़ी तालमेल, थोड़ा घमंड, थोड़ी अकड़ बढ़ेगी, जिससे ये आपसी तालमेल में कुछ समस्याएं आएंगी। माँ के साथ भी तालमेल को लेकर थोड़ी सी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। तो आमतौर पर जातक में थोड़ा अहंकार बढ़ सकता है, थोड़ी जिद बढ़ सकती है, जिसके कारण, क्योंकि उन्हें अपने आप के सारे फैसले बिल्कुल ठीक लगेंगे, जो लगने भी चाहिए, पर दूसरों के सभी फैसले गलत हों ऐसा सोचना उचित नहीं। तो माँ के साथ तालमेल में दिक्कतें आ रही हैं, पिता के साथ तालमेल में दिक्कत आ रही है, शत्रु थोड़े से कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि अपना लग्न बड़ा मजबूत है, इसलिए उन सभी पर जीत हासिल हो जाने का पूरा योग बनता है। तो ये स्थिति लगभग बहुत शुभ है। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर वृषभ लग्न के लिए लगभग बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगी। मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र 9वें घर, भाग्य के घर, पिता के घर में रहेंगे। यहाँ मित्र राशि में रहने के कारण इनको पिता से, भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। संतान के साथ सुखों का योग बनेगा, विद्या का, विचारों का, फैसले लेने का, प्रेम का, सभी सहयोग यहाँ पे इन्हें प्राप्त होंगे। लेकिन 12वें घर के स्वामी होने के कारण खर्चे थोड़े अधिक होंगे, ये भी एक समस्या देखने में आएगी। अगर अपनी बुद्धिमानी से जरा से चले, जो कि पंचम भाव के कारण एक गुण इन्हें प्राप्त होगा, तो अपने खर्चों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बात संभाली जा सकती है। एफर्ट्स में छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, जो भाग्य के सहारे से शायद पूरी हो जाएं। भाई बहनों के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमियां देखने में आ सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उस वैमनस्य को, उस भाई बहनों के आपसी तालमेल को संभाल लेते हैं तो, और अधिक पुरुषार्थ करते हैं, तो सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। कोई बहुत नुकसान की स्थिति नहीं है। काफ़ी हद तक ये प्लेसमेंट, ये गोचर मिथुन लग्न के लिए शुभ है। कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। चौथे घर माँ के सुखों के स्वामी बनते हैं और 8वें घर में जाने से माता के साथ तालमेल में कमी, मातृभूमि से तालमेल में कमी, या माँ से अलग जाने का योग बन सकता है, विदेश जाने का योग बन सकता है, दूसरी जगह जाके कामयाब होने की संभावना बन सकती है, धन संग्रह इम्प्रूव होने का योग तो दिखता है, पर आमदनी को भी कुछ दिक्कत दिखती है। इसका अर्थ यह है कि रुपए खर्च नहीं हो रहे, पर नई इनकम जनरेट करने में तकलीफ देखने में आ सकती है। उम्र को लेकर के अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष तकलीफ नहीं। कुटुंबजनों के साथ व्यवहार में थोड़ी समस्या देखने में आएगी, उनके साथ वाद विवाद भी थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है। कुल मिलाकर ये प्लेसमेंट बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक लाभदायक होगा ऐसा भी नहीं है। सिंह लग्न में शुक्र 7वें भाव में मित्र राशि में विराजित हैं इस गोचर में, और
उसका लाभ इन्हें यह प्राप्त हो रहा है कि दशम भाव के स्वामी हैं, इसलिए पिता से, राज्य से, अपने प्रयासों से तरक्की होने का, ग्रोथ होने का बड़ा सुंदर योग रहेगा। तीसरा घर भाई बहनों को और हमारे पराक्रम, हमारे एफर्ट्स को दिखाता है, इसमें भी उन्हें बड़ा लाभ देखने में आएगा। तो भाई बहनों से तालमेल सुधरेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा, जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं, गृहस्थी के कार्यों को भी संभालने का सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। यश बढ़ना और आपकी कार्य कुशलता की तारीफ हो ऐसा देखने में आ सकता है। आपका मैनेजमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी बहुत समस्या शारीरिक बल में कमी देखने में आ सकती है, लेकिन अगर आप अधिक परिश्रम पर ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य आपकी सामर्थ्य पर हावी नहीं हो पाएगा, ग्रोथ जरूर होगी। इसीलिए आमतौर पर सिंह लगन वालों के लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, बहादुरी भरी हैं, रिजल्ट निकालने वाली हैं और इनके लिए ये प्लेसमेंट लगभग बहुत अच्छा है। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र छठे घर में होंगे। छठा घर शत्रुओं का, बीमारियों का, समस्याओं का, कर्जे का घर है। तो यहाँ शुक्र की स्थिति आपके कुटुंब के साथ आपके तालमेल, आपका पैतृक संपदा से संबंधित, आपको थोड़ी बहुत आँखों की दिक्कत, शुगर की दिक्कत बढ़ाएगा। इस संबंध में आपको थोड़ा नुकसान देखने में आने वाला है। मेहनत करने में भी थोड़ी कमी देखने में आएगी या धर्म कर्म करने में भी कुछ अरुचि होगी। पिता के साथ तालमेल में भी थोड़ी समस्याएं आएंगी। तो भाग्य का भी उतना सहारा यहाँ मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ी समस्या अधिक हो गई, यानी परिश्रम अधिक करके ही कुछ बात बन सकती है। शत्रु पक्ष के साथ सफलता प्राप्त करना भी थोड़ा सहज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये है कि खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम, तालमेल में कमियाँ, तो मानसिक चिंताएँ बढ़ने का योग बनता है। बहुत अच्छा योग इसे नहीं कहा जा सकता। तो शुक्र का ये गोचर कन्या लगन वालों के लिए थोड़ा दुखदायी समझना चाहिए। तुला लगन वालों के लिए शुक्र पंचम घर में विराजमान रहेंगे। यहाँ ये त्रिकोण है, त्रिकोण का घर कहा जाता है। तो इसके कारण विद्या, बुद्धि, फैसले लेने की सामर्थ्य, संतान के साथ तालमेल की स्थितियाँ इंप्रूव होंगी। शुक्र के प्रभाव के कारण आपकी बोलने की कला, आपकी वाक चातुर्यता, आपकी बुद्धि, विद्या के क्षेत्र में भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन शुक्र अष्टमेश भी है, इस कारण संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान के साथ थोड़ी तालमेल को लेकर छोटी मोटी समस्याएं भी देखने में जरूर आएंगी। उम्र से संबंधित थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन सेविंग्स बढ़ने का बहुत सुंदर योग है। एक्सटर्नल सोर्सेज से इनकम होने का योग बहुत अच्छा बनता है। और शुक्र की पूरी सातवीं दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि है, वो एकादश भाव में अपनी शत्रु दृष्टि डालेगा सिंह राशि पर। इसके कारण जातक को लाभ मिलता है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही उस वो बुद्धिमान है ऐसा भी साबित होता है। अपनी अकल, अपनी सामर्थ्य से पैसा कमाने की उसमें एक विशेष गुण देखने में आएगा। वृश्चिक लग्न में शुक्र का प्लेसमेंट चौथे घर में है। यहाँ शुक्र बारहवें घर के स्वामी हैं। छठे, आठवें, बारहवें भाव के स्वामी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की थोड़ी हानि करते हैं। इस हिसाब से माँ के साथ तालमेल में, माताजी के स्वास्थ्य को, माताजी के साथ सुखों में, अपने मकान, अपना वाहन, अपनी उच्च शिक्षा, अपनी थोड़ी बहुत यात्राओं में थोड़ी परेशानियाँ देखने में जरूर आएंगी। पत्नी के साथ तालमेल की स्थितियाँ अच्छी रहने वाली हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक बना रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जाने अनजाने थोड़ी बहुत तकरार देखने में आ सकती है, जो ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। खर्चे ज़्यादा होंगे, उन खर्चों को मेंटेन करने में समस्याएं देखने में आएंगी। पूरी शत्रु दृष्टि जो दशम भाव यानी सिंह राशि पर पड़ रही है, उसके कारण पिता के साथ राज्य व्यापार के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ देखने में आ सकती हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट ठीक करते हैं, तो सुख सम्मान के साथ सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। धनु लग्न के लिए शुक्र तीसरे घर में अपने मित्र की राशि में होंगे। और इसका जो प्रभाव है वो ये कि तीसरा घर हमारे पराक्रम को, छोटे भाई बहनों के साथ हमारे तालमेल को दिखाता है। तो पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम से धन कमाने का योग बढ़ेगा, धनी होने का योग बढ़ेगा, इस समय आनंद प्राप्त होगा। शत्रुओं पर भी अपना दबाव बनाने में ये कामयाब रहेंगे, बीमारियां इनके कंट्रोल में थोड़ी रहेंगी और
लेकिन इसका जो थोड़ा दुष्परिणाम देखने में आएगा इनको वो ये है कि क्योंकि शुक्र लग्न के मित्र तो हैं नहीं और इनकी सातवीं दृष्टि सिंह पर पड़ेगी, नवें भाव सिंह राशि पर, जिसके कारण पिता के साथ तालमेल में थोड़ी दिक्कतें, भाग्य का सपोर्ट मिलने में कुछ दिक्कतें देखने में आएंगी। भाग्य का सपोर्ट मिलने से यहाँ अर्थ इतना है कि इन्हें थोड़ा अधिक परिश्रम करना है, यानी पुरुषार्थ के बल पर ही धन प्राप्ति हो रही है, भाग्य की कृपा से नहीं, पिता की कृपा से नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत धर्म के प्रति भी अरुचि देखने में आ सकती है। आमतौर पर अगर मेहनत करने पर ध्यान दिया जाता है तो सुखी सामान्य जीवन आराम से जिया जा सकता है। मकर लग्न के लिए शुक्र का प्लेसमेंट सेकंड भाव में है। दूसरा घर हमारे कुटुंब के सुखों का, परिवार के साथ हमारे तालमेल का है, जिसका इन्हें पूर्ण सुख प्राप्त होता है, धन का संचय बढ़ता है, भाषा में निर्मलता बढ़ती है, व्यवहार कुशलता बढ़ती है, पिता से राज्य से सुख की प्राप्ति होती है, व्यवसाय बढ़ता है, संपन्नता बढ़ती है, स्टेटस इंप्रूव होता है, सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत संतान की तरफ से कुछ कष्ट मिलने की गुंजाइश देखने में आएगी। इनिशियल एजुकेशन में थोड़ी बहुत पढ़ाई देखने में आ सकती है। किसी भी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत लगभग नहीं है, क्योंकि जो शुक्र की सातवीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। इससे थोड़ी बहुत आपकी आयु शक्ति में कुछ कमी देखने में आ जाए, ऐसा देखने में आ सकता है, थोड़ी बहुत सेविंग कुछ घट जाए, लेकिन आमतौर पर यशस्वी होने का, धनी होने का इसमें योग बना रहता है, पर साथ ही थोड़ी चिंताएं भविष्य को लेकर के भी बनी रह सकती हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा अच्छा और थोड़ा खराब प्रभाव है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, पर बहुत अधिक शुभ नहीं है, लेकिन बुरा बिल्कुल भी नहीं है। कुंभ लग्न में शुक्र लग्न में ही होंगे, तो लग्न में शुक्र के रहने का क्या ये है कि शुक्र मित्र हैं यहाँ पर, और चौथे और नौवें घर यानी दो योग बना रहे हैं एक साथ, जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण योग और लग्न में होना। लग्न में होना ही अपने आप में एक योग है, केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहा है। तो शुक्र यहाँ पर कारक हैं, शुभ हैं, माँ से संबंधित, मकान से संबंधित, भूमि का, ऐश्वर्य का, हायर एजुकेशन का, सुंदरता का, शारीरिक बल का, प्रभाव का, सौभाग्य का, धर्म का, पिता का, सभी का सहयोग यहाँ प्राप्त होने का योग बनता है। पत्नी के साथ थोड़ी सी स्थितियाँ खराब देखने में आ सकती हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ ये भी देखने में आ सकती है कि थोड़ा आपसी तालमेल में छोटी छोटी दिक्कतें हो जाएं, पर यह बहुत कम है। कुल मिलाकर शुक्र के ये गोचर प्रभाव कुंभ के लिए बहुत शुभ है। मीन लग्न में शुक्र बारहवें घर में विराजमान है। यहाँ स्थिति यह रहेगी कि शुक्र तीसरे और आठवें घर के स्वामी हैं और बारहवें घर में हैं। बारहवां घर हमारे खर्चों को, हमारे व्यय स्थान को दिखाता है, तो हमारे खर्चे ज़्यादा रहने वाले, जमा पूंजी कम होगी, उम्र को लेकर के, पुरातत्व को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के दिक्कतें आएंगी, अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को लेकर दिक्कतें आएंगी, पराक्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, यानी आप जितनी कोशिश करेंगे उतना परिश्रम करने पर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, ऐसी स्थिति देखने में आएगी। लेकिन अपनी शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रुओं पर अपना दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी चतुराई के बल पर, अपनी सोच समझ के बल पर झगड़ों से बचे रहने में और समस्याओं का निपटारा करने में आप सक्षम होंगे। तो मीन लग्न के लिए भी इस गोचर को अधिक शुभ नहीं समझा जा सकता। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें, जिससे आपको आगे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जल्दी से जल्दी मिल जाएं और आप उनका लाभ ले सकें। वीडियो को आगे शेयर भी करें, जिससे आपके साथ औरों को भी इसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।